नई मुंतखब हुकूमत में भी ऑर्डिनेंस का शोर। 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत मजीद 120 दिन के लिए बढ़ा दी गई। कौमी असेंबली में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ऑपोजिशन की हंगामा आराई किसी काम न आई। हिमायत में 130 वोट पड़ गए। 63 अरकान की मुखालिफत, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नो नो के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी का भी 22 ऑर्डिनेंसेस के मतन पर एतराज। तकरीरों में मुखालिफत के बावजूद करारदाद के हक में वोट दे दिया और मुतालिबा किया कि निगरान हुकूमत के फैसलों पर कमेटी बनाई जाए। खुर्शीद शाह का आईन के मुताबिक कानून साजी पर जोर। कहा यह भी देखा जाए कि इस दौर में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंसेस आए। नवीद कबर ने खबरदार किया कि ऐसा ही करना है तो ईवान खत्म कर दें, घर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाएं। उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। 63 मेंबर्स रोज अगेंस्ट द मोशन, सो द मोशन इज अडॉप्टेड। मुंतखब हुकूमत आ गई लेकिन ऑर्डिनेंस का सहारा अब भी बाकी। वजीर कानून ने कौमी असेंबली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत बढ़ाने की करारदाद पेश की तो ओपोजिशन ने तूफान खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात ये कि हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत की लेकिन हिमायत में वोट भी दे डाला। मैं अग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ, ऑर्डिनेंस में हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। वी ऑल्सो हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशंस एंड सम ऑफ द ऑर्डिनेंसेस, वी हैव सीरियस रिजर्वेशंस ऑन द कंटेंट ऑफ दोज ऑर्डिनेंसेस। अगर इरिवर्सिबल कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। सो पीपल्स पार्टी ने वोट देने के साथ साथ निगरान हुकूमत के फैसलों पर कमेटी बनाने का मुतालबा किया लेकिन ओपोजिशन वाले पीछे ना हटे, नो नो के नारे लगाते रहे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ये अगर कागज आप लोग बार बार फेंकते रहे ना उसमें बहुत ज्यादा आई माइट बी फोर्स्ड टू टेक डिसिप्लिनरी। शदीद एहतजाज के बावजूद 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन की तौसीक की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। जिन ऑर्डिनेंसेज में तौसीक की गई इनमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्रिमिनल लॉ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस और टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस शामिल हैं। इन ऑर्डिनेंसेस का मकसद IMF की शर्त पर हुकूमती इदारों को खुद मुख्तार बनाना और बिजली चोरों के खिलाफ सजाएं सख्त करना था।